लद्दाख सेक्टर पर चीन और भारत के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं सेक्टर में चीनी सेना की घुसपैठ कभी रुकी ही नहीं थी। ये 1962 के चीनी हमले के बाद से ही शुरू हो चुकी थी जो आज भी जारी है। दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन ना होने की वजह से सीमा विवाद और चीन की ओर से घुसपैठ का सिलसिला थमा नहीं है। भारत पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है जो फिलहाल चीन के नियंत्रण में है। भारत के साथ 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से सीमा विवाद अब तक सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, जिस कारण भारत और चीन की सेना के बीच कई बार झड़प तक हो चुकी है। इतना जरूर है, चीनी सेना के घुसपैठ की पहली बार खबर 1993 में उस समय बाहर आई थी जब लद्दाख में फेस्टिवल का आयोजन किया गया था और लोगों को चीन सीमा से सटे इलाकों तक जाने की अनुमति दी गई थी। इससे पहले होने वाली घुसपैठ और अत्याचारों की घटनाओं को सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड में ही दर्ज कर लिया जाता था। ये भी सच है कि पहली बार लेह फेस्टिवल में शामिल पत्रकारों को पेगोंग झील समेत चीन सीमा से सटे इलाकों का दौरा करने की अनुमति दी गई, तो उसके बाद ही भारतीय सेना ने भी चीन की सीमा पर गश्त बढ़ाने का फैसला किया था, वरना इन इलाकों में भारतीय सैनिक कभी कभी नजर आते थे। पर चीनी सैनिक नियमित रूप से गश्त करते थे और आए दिन भारतीय इलाके पर अपना कब्जा दर्शाने की हरकतें किया करते थे। लेह स्थित प्रशासनिक अधिकारी मानते हैं कि चीन अक्साई चीन से लगे इलाकों पर भी अपना कब्जा जमाना चाहता है। इसी प्रकार लेह स्थित 14वीं कोर में तैनात कुछ सेना के अधिकारियों ने बताया, चीन की बढ़ती हिम्मत का जवाब देने के लिए लद्दाख के मोर्चे पर फौज और तोपखानों की तैनाती में तेजी आई है, लेकिन कोशिश यही है कि मामला राजनीतिक स्तर और बातचीत से सुलझा लिया जाए। लद्दाख की जनता के मुताबिक केंद्र सरकार को चीन की हरकतों को गंभीरता से लेना चाहिए। मिलने वाली खबरें इसकी भी पुष्टि करती हैं कि चीन ने भारतीय इलाकों से सटे अपने इलाकों में अपने नागरिकों को भी बसा रखा है और वो भारतीय जमीन का भी इस्तेमाल खुलकर कर रहे हैं। हालांकि स्वतंत्र तौर पर इन खबरों की पुष्टि नहीं हो पाई थी, पर भारतीय सेना अपने नागरिकों को चीन सीमा के पास भी फटकने की इजाजत नहीं देती है, जिस कारण उस पार से होने वाली नापाक हरकतों की खबर बहुत देर से मिलती है। डीबी लाइव के लिए लद्दाख से सुरेश एस डुग्गर की रिपोर्ट।